नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में रामनवमी पर खरगोन में भड़की हिंसा के बीच इब्रिस खान की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में झड़पों में 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने कहा है कि हिंसा के सिलसिले में अब तक 44 मामले दर्ज किए गए हैं और 148 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्टों में स्थानीय पुलिस के हवाले से कहा गया है कि जिस रात हिंसा हुई थी उसी रात 7-8 लोगों ने इब्रिस खान उर्फ सद्दाम की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि अगले दिन मिला शव अज्ञात रह गया था और खरगोन में फ्रीजर की सुविधा नहीं होने के कारण इंदौर के मुर्दाघर भेज दिया गया था। रामनवमी पर 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद से इब्रिस खान लापता था। उसका शव कई दिनों बाद इंदौर के MY अस्पताल में मिला था। पुलिस ने मौत को लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की प्रस्तावित यात्रा से 2 दिन पहले सेना की एक छावनी के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कार्रवाई के दौरान 1 जवान शहीद हुआ है जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 2 जवान शामिल हैं। ऐसा तब हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के मद्देनजर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा की गई है। मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यह एनकाउंटर सेना की छावनी के पास ही हुआ है। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने जम्मू शहर के सुजमा छावनी इलाके में तड़के अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि उनके पास सूचना थी कि आतंकवादी शहर में हमले की योजना बना रहे थे। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से की है। इस बीच अब वो PM मोदी के साथ बैठक कर रहे हैं क्योंकि UK भारत में रक्षा उत्पादन के अलावा क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भारत में अपनी पकड़ और सहयोग को बढ़ाना चाहता है। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज शानदार स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के लिए एक बहुत ही शुभ क्षण है क्योंकि ब्रिटेन भारत संबंधों में चीज़ें कभी भी उतनी अच्छी नहीं रहीं जितनी अब हैं। जॉनसन ने कहा कि मैंने ऐसा शानदार स्वागत कभी नहीं देखा और मुझे दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। हिंद महासागर में भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माने जाने वाले पड़ोसी देश मालदीव में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और किसी भी तरह के कैंपेन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने आदेश जारी करते हुए भारत बाहर जाओ प्रदर्शन को मालदीव की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और प्रदर्शनों पर बैन लगा दिया। मालदीव में भारत विरोधी अभियान को पहले सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया जिसके बाद इस विरोध का चेहरा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन बन गए। बीते साल दिसंबर में वो जेल से बाहर आए हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान यामीन की विदेश नीति में चीन की तरफ झुकाव ज़्यादा देखा गया था और वो वर्तमान राष्ट्रपति सोली के भारत के प्रति अच्छे रुख के खिलाफ हैं। भारत द्वारा अमेरिकी सांसद इलहान उमर के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा करने पर आपत्ति जताए जाने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के काउंसलर डेरेक शोलेट ने कहा कि ये उनका गैर आधिकारिक निजी दौरा है। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे का हमारी किसी नीति से कोई लेना देना नहीं। बता दें, इलहान उमर 4 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने POK का दौरा किया जिसके बाद भारत ने आपत्ति जताई और कहा कि उनके इस दौरे से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक ऐसे हिस्से का दौरा किया है जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगर कोई राजनेता अपनी संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करना चाहता है तो ये उनका काम हो सकता है, लेकिन ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। प्रशांत किशोर यानी PK के प्लान में आखिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए क्या रणनीति है? पार्टी में PK के शामिल होने के कयासों के बीच सोशल मीडिया पर साझा की गई सूचनाओं में कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व को सुझाव दिया है कि कांग्रेस के पुनर्जन्म के लिए नेतृत्व को पार्टी के पुनर्निर्माण और इसे लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। PK के प्रस्ताव में कहा गया है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में और किसी गैर गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में और राहुल गांधी को संसदीय बोर्ड के प्रमुख के रूप में रहने का सुझाव दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि एक गैर गांधी कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जरूरत है जो कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशानुसार जमीन पर प्रभावी ढंग से काम कर सके। अखबार कहता है कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रस्ताव में चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस संसदीय बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव दिया। इससे पहले कांग्रेस से नाराज वरिष्ठ नेताओं के समूह G23 ने भी इसकी सलाह दी थी। दिल्ली सरकार ने अब एक और अहम ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशनरी यानी कि बूस्टर डोज अब सभी को मुफ्त में मिलेगी। बता दें, अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली में भी केवल 60 साल से अधिक आयु वालों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ही बूस्टर डोज मुफ्त थी, लेकिन राज्य सरकार के ताज़ा फैसले के बाद 18 साल से अधिक आयु वाले भी मुफ्त में बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। मालूम हो कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद दोनों प्रमुख वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने अपने दाम घटाकर 225 रुपये प्रति डोज कर दिए थे।
भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,451 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 54 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। इसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 14,241 हो गया, जबकि ठीक होने की दर 98.75% है। रूस ने जहां दावा किया है कि उसने यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर कब्जा कर लिया है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध अहम पड़ाव पर है। इस बीच उन्होंने यूक्रेन में और हथियार भेजे। यूक्रेन को मिल रहे 80 करोड़ डॉलर के ताज़ा पैकेज में लंबी दूरी तक मार करने वाले दर्जनों हावेस्टर तोप और गोला बारूद के करीब 1.5 लाख राउंड शामिल हैं। वहीं उसे पूर्वी यूक्रेन के मैदानी इलाकों में इस्तेमाल होने वाले टैक्टिकल ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वो यूक्रेन को घोस्ट ड्रोन भी दे रहा है। इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी एयरफोर्स ने यूक्रेन की ज़रूरतों को देखते हुए तेज़ी से इसे तैयार किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।